गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन करें। धन्यवाद माननीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई अखनूर वालों की आवाज को क्या हो गए? यहां अपनी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोहनलाल जी और राजीव जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सत शर्मा जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, मनमोहन सिंह जी जिला भाजपा के अध्यक्ष जी, महंत रामेश्वर दास जी, श्री नारायण सिंह प्रभारी जी, श्री सूरज सिंह जी, श्री लाल राम बैरवा जी, शत्रुघ्न गौतम जी, श्री कुशन लाल जी, श्री दलजीत सिंह जी, श्रीमती शारदा जी, श्री भूषण कुमार जी, श्री संजय कुमार जी, श्री मदन लाल जी, और आज अखनूर की इस भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले कामेश्वर महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं अखनूर की इस महान और ऐतिहासिक भूमि को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आजादी से अब तक इस देश में दो झंडे थे, दो संविधान थे, और इसी दो झंडे दो संविधान को समाप्त करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। और भाइयों बहनों, आपको मैं याद कराना चाहता हूं, उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और संविधान में से निकाल दिया, और ये जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद पहली बार एक चुनाव हो रहा है भाइयों बहनों, पहली बार चुनाव हुआ है। आपका एक वोट हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं का हौसला बुलंद करने वाला है। आपका एक वोट महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाला वोट है। आपका एक वोट SC ST और OBC को जो अब तक आरक्षण नहीं मिला था, हमारे पहाड़ी और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण नहीं मिला था, वो आरक्षण हमेशा के लिए चालू रखने वाला वोट है। आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला वोट है। आपका एक वोट जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने वाला वोट है। और आपका एक वोट पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका एक वोट है।
भाइयों बहनों, एक एनसी ने एजेंडा जारी किया है जिसका समर्थन राहुल गांधी एंड कंपनी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं पूछता हूं आप सब इससे सहमत हो या नहीं हो, बारी बारी में हा या ना के ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है तिरंगे की जगह अलग झंडा लाएंगे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो सहमत हो। 370 वापिस लाएंगे, आप सहमत हो? पाकिस्तान के साथ आतंकवाद समाप्त किए बगैर बातचीत करेंगे, आप सहमत हो क्या? एलओसी का ट्रेड शुरू करेंगे, आप सहमत हो क्या? पत्थरबाजी और आतंकवाद में लिप्त जेल में जो आतंकवादी है उनको रिहा करने की बात करते हैं, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गुर्जर और बकरवाल और पहाड़ियों का रिजर्वेशन रद्द करने की बात की है, आप सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को कोह ए मारन करने का नाम किया है, आप सहमत हो क्या? ये कांग्रेस का एजेंडा है। मैं राहुल बाबा को एक महीने से कह रहा हूं, अगर जम्मू कश्मीर का वोट चाहिए तो देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि आप एनसी के एजेंडे के साथ सहमत हो या नहीं। जवाब नहीं देते, मगर राहुल बाबा आप जवाब दो न दो, अखनूर से मैं जवाब दे देता हूं। एनसी और कांग्रेस सुन ले कि इस देश में धारा 370 इतिहास बन गई है, वो कभी वापिस नहीं आएगी, कभी वापिस नहीं। भाई और बहनों, मैं आज अखनूर के मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, इस देश में एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्राण से प्यारा तिरंगा रहेगा और कोई झंडा नहीं रहेगा। भाई और बहनों, अभी अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम राहुल गांधी और अब्दुल्ला के एजेंडा के साथ सहमत है। अरे शर्म करो, शर्म करो, थोड़ी शर्म बची है तो राहुल गांधी चुन्नू भर पानी में डूब मरो। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका एजेंडा एक समान है। आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, आपकी बात का समर्थन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा है और आप हंसते 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 जम्मू में वोट मांगने आते हो। अखनूर वाला इनको वोट दे सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हो क्या? अगर ये आए तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद आएगा, अगर ये आए तो जम्मू कश्मीर में फिर से आतंक आएगा। मैं आज अखनूर की धरती से राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी ना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हम नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर भी सीबीआई के छापे पड़े, पेपर लीक घोटाले में पकड़े गए और कांग्रेस को वही प्रत्याशी मिला। अखनूर वालों, एक हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को पसंद करना है या सीबीआई में आरोपी को करना है, वो आपको तय करना है। भाइयों, महबूबा जी ने कहा था, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ए ए बैठ जाओ। भाइयों बहनों, महबूबा जी कहती है यदि धारा 370 हटेंगी तो यहां कोई कंधा देने वाला नहीं।
महबूबा जी आप क्या हमें डरा रही हो, 370 हट गई, आपका 4 से ऊपर पांचवा प्रत्याशी नहीं जीतने वाला है, आपका पांचवा प्रत्याशी भी। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर ये 3 परिवारों के राज में, गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ति परिवार के राज में 35 साल से आतंक की आग में रहा। 3000 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा, 40,000 लोग मारे गए, असंख्य सेना के जवान मारे गए, और मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को जमीन के अंदर दफनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज ये वापिस लाना चाहते हैं। मैं आज इस मंच से तीनों परिवार वालों को कहना चाहता हूं, जितना जोर है लगा दो, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आतंकवाद को वापिस ना नहीं ला सकती। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अखनूर वालों, पाकिस्तान को जवाब भी मैं यहां से देना चाहता हूं, आतंकवाद को पाताल तक दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, वर्षों से जम्मू क्षेत्र को न्याय हुआ, हमने 6000 करोड़ की लागत से एम्स बनाया, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाई, 5 नर्सिंग कॉलेज बनाई, कैंसर संस्थान बनाया, 8 नए कॉलेज बनाए, 24 नए भवनों का निर्माण किया, और 59 कॉलेजों को मान्यता देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने यहां पर हाइड्रल प्रोजेक्ट 59,000 करोड़ के मंजूर करे, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने घोषणा की है कि हम हर साल 100 आतंकवादियों द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को नया बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। सालों तक अंबेडकर जी को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी से जुड़े 5 स्थानों को पंच महातीर्थ बनाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, 1300 करोड़ की लागत से जम्मू अखनूर 4 लेन रोड की सड़क परियोजना हमने मंजूर कर दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक ही जिले में 120 करोड़ का निवेश हुआ। आरसीसी पुल से निर्दोष चौक तक सड़क को चौड़ा किया। गोल्डन आर्क रोड के निर्माण से पूंछोट अखनूर की दूरी को कम किया। हरी मंदिर घाट पर पैदल मार्ग बनाया। अखनूर में उप जिला अस्पताल हमने शुरू किया। सरकारी नर्सिंग कॉलेज अखनूर में बनाया। नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया। सिंगुर गांव में औद्योगिक संपदा के निर्माण को मंजूरी दी, और अखनूर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसके साथ साथ 10 MEV ट्रांसफॉर्मर और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ट्रांसफॉर्मर का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, हमने घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही हिंदू मुस्लिम सिख सभी घर की सबसे वरिष्ठ माता को, वरिष्ठ महिला को हर साल मोदी जी 18,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजेंगे। माताओं बहनों को दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है, अब हम 10,000 करेंगे। कृषि के बिजली बिलों में 50% की राहत करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कुटुंब में मेट्रो बनेगी, तभी रिवर फ्रंट का विकास होगा। रणजीत सागर डैम पर एक झील पर्यटन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। कश्मीरी पंडितों का हम पुनर्स्थापन करेंगे, अग्निवीर के लिए आरक्षण करेंगे। जोर से ताली बजाना, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 सालाना यात्रा भत्ता देंगे। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, किश्तवाड़ में पर्यटन उद्योग, जम्मू शहर में आईटी हब, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब और जम्मू संभाग में एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की रचना करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला परिवार ने वर्षों से जम्मू को अन्याय किया है या नहीं किया है बताइए, जोर से बोलो किया है या नहीं किया है। अब मैं कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी भी आ जाए, जम्मू क्षेत्र को अन्याय नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, ढेर सारे विकास के काम मोदी जी ने 75,000 करोड़ का विकास जम्मू कश्मीर में किया है और आगे भी करने वाले हैं। हम आपके आशीर्वाद लेने आए। हमारे दोनों प्रत्याशी खड़े हो जाओ भी, दोनों हमारे दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं। आप बताओ, मोहनलाल जी और राजीव शर्मा जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती, बोलो जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अखनूर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।